प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 फर्स्ट पेपर स्ट्रेटजिक विचारक में निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण फेफ भाग। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग पढ़ेंगे फेफ भाग कौन सा, दूसरा। ठीक है बच्चों, चलो बगैर देरी किए हुए हम लोग पहुंचते हैं कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ से बाकी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयास। अभी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण का प्रयास। तो बच्चों वही है, अगर प्रथम विश्व युद्ध तक अगर निशस्त्रीकरण के सभी प्रयास सफल हो गए होते तो संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई बच्चों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को आपको मालूम है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में दो भयानक हथियारों का निर्माण हुआ। कौन थे वो? थे परमाणु बम। दो क्या थे? परमाणु बम बना, लेकिन दो का बच्चों प्रयोग हुआ, परमाणु बम बना, जिसका जो है शीघ्र ही आनंद फानन जो है इसका परीक्षण भी किया गया और इसका जो है जापानी नगरों पर प्रयोग भी कर दिया गया। ठीक है, यानी जब प्रयोग कर दिया गया तो संपूर्ण मानव सभ्यता इससे जो है दहशत में फैल गई, इतने भयानक हथियार के मारक क्षमता को देखकर। तो उसमें जो है इस आवश्यकता या इस जो है खतरे से निपटने के लिए उस समय अमेरिका और जो है महाशक्तियों के प्रयास से, कुछ गणमान्य शक्तियों के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। ठीक है बच्चों, जिसे कहते हैं UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी क्या थी, और उसमें भी निशस्त्रीकरण की जिम्मेदारी किसको दी गई? महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के दो अंग, प्रमुख अंग महासभा और सुरक्षा परिषद, दोनों ही प्रमुख अंग थी। इसलिए जो है सुरक्षा वाली संपूर्ण जिम्मेदारी जो है महासभा और सुरक्षा परिषद पर डाली गई। और संयुक्त राष्ट्र संघ का बच्चों उद्देश्य क्या था? आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, क्योंकि स्थिति जो थी बहुत ही गंभीर थी और सभी राष्ट्र परमाणु बम बनाने के लिए परेशान रहते। अब परमाणु बम जब सबके पास हो जाते, अरे गहरे छोटे राष्ट्रों के पास हो जाते, तो राइफलों की तरह वो भी इनका प्रयोग करने लगते कि परमाणु बम खिलौना जैसे अगर प्रयोग होता तो संपूर्ण विश्व कब नष्ट हो जाता, कोई बात की किसी बात की कोई गारंटी नहीं थी। ठीक है, अब देखिए सोवियत संघ एवं अमेरिका की सहायता से 1946 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा उपयोग की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए, ना कि युद्ध भूमि में प्रयोग के लिए। बच्चों शीत युद्ध तो 1945 से ही दोनों के बीच में प्रारंभ ही हो चुका था। अब चूंकि जो विश्व के खतरा था, विश्व के लिए जो खतरा बने थे वो सोवियत संघ और अमेरिका ही थे। ठीक, और दोनों बढ़िया गुटबाजी भी बना लिए बाद में, वारफा और नाटो ग्रुप। तो कहने का मतलब शांतिपूर्ण उपयोग के लिए इसमें जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना इन दोनों राष्ट्रों ने 1946 में किया। ठीक, अब फरवरी 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा सभी सदस्य राष्ट्रों के परंपरागत शस्त्रों को सीमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से परंपरागत शस्त्र आयोग की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1946 में और परंपरागत शस्त्र आयोग की स्थापना 1947 में की गई। ठीक है बच्चों, किस लिए? सभी सदस्य राष्ट्रों के परंपरागत शस्त्रों को सीमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य, अर्थात परंपरागत हथियारों में भी कटौती करने के उद्देश्य। ऐसा न हो कि ज़्यादा से ज़्यादा परंपरागत हथियार राष्ट्र रख ले और अड़ोस पड़ोस में खतरा पैदा करते रहें, जैसे भारत पाकिस्तान की कंडीशन है, भारत चाइना की है। हालांकि परमाणु बम है
लेकिन परंपरागत हथियारों का ही प्रयोग हो रहा है। चलिए अब देखा जाए तो उपरोक्त दोनों आयोगों को अपने कार्यों से असफलता हाथ लगी, यानी ना तो ये शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे पाए और ना ही जो है ये परंपरागत हथियारों को सीमित कर पाए। तो दोनों आयोगों को क्या मिला? असफलता। उसके बाद निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। किसने की? अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय ट्रूमैन, इनके प्रयास से निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। इनका कार्य क्या था? सभी प्रकार के अस्त्रों को सीमित करना, यानी सभी प्रकार के हथियारों को सीमित कर देना, खासकर सामूहिक विनाश के सभी प्रकार के अस्त्रों को समाप्त कर देना। अर्थात जो भयंकर किस्म के हथियार थे सामूहिक विनाश से, जिससे जो है मान लीजिए पारंपरिक हथियार जिससे गोलियां चलती है उसे एक एक दो दो लोग मरते हैं, लेकिन जो सामूहिक विनाशकारी जैसे जो है परमाणु बम हो गया, न्यूट्रॉन बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, ऐसे ऐसे बमों को सभी प्रकार के अस्त्रों को समाप्त करने की बात इसमें कही गई। ठीक है बच्चों, हालांकि उस समय तक संभवतः केवल परमाणु बम ही था, हाइड्रोजन बम और जो है न्यूट्रॉन बम ये बाद में बनाए गए लगभग 1960 के दशक में। ठीक है बच्चों, चलिए और इन्होंने क्या किया? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण हेतु एक प्रारूप तैयार किया। ठीक, जो प्रारूप तैयार किया, अपने हितों का विशेष याद रखा, जिसके कारण सोवियत संघ के विरोध के कारण इस आयोग के प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। बच्चों कोई भी है, चाहे जो भी प्रस्ताव कोई व्यक्तिगत बनाएगा वो जो है उसमें अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाएगा तो विपक्षी मानेगा क्यों? तो यही कंडीशन हुई सोवियत संघ की। ठीक है बच्चों, जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया था कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन। जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया था सोवियत संघ ने विरोध किया और इसके विरोध के कारण जो आयोग के सभी प्रस्ताव थे उनको कार्यान्वित नहीं किया जा सका। ठीक है बच्चों, अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1953 में यह एक योजना प्रस्तुत की जिसे कहा जाता है शांति की योजना के लिए परमाणु, यानी एटम फॉर पीस प्लान। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एटम फॉर पीस प्लान, ये जो है UGC और नेट की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि एटम फॉर पीस प्लान किसका है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति अमेरिकन के राष्ट्रपति आइजनहावर 1953 में इस योजना को प्रस्तुत किया था, एटम फॉर पीस प्लान, यानी शांति के लिए परमाणु योजना या शांति योजना के लिए परमाणु। चलिए, और इसी योजना को उन्मुक्त आकाश योजना भी कहा गया, ओपन स्काई प्लान। ठीक है बच्चों, एटम फॉर पीस प्लान, ओपन स्काई प्लान एक ही चीज है, शांति की योजना के लिए परमाणु या उन्मुक्त आकाश योजना, ओपन स्काई प्लान कहा गया इसे। इसकी मुख्य बातें क्या थी? अमेरिका तथा सोवियत संघ एक दूसरे को अपने सैनिक बजट, उत्पादन, वर्तमान शक्ति एवं विकास की संभावनाओं के बारे में परस्पर सूचना देते रहेंगे। यानी एक दूसरे को अपने शक्ति के बारे में क्या बना रहे हैं, अंदर क्या कर रहे हैं, कौन सा हथियार बना रहे हैं, स्थिति वर्तमान शक्ति ताकत दोनों की क्या है, विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में एक दूसरे को सूचित करते रहेंगे। और परस्पर जांच एवं निरीक्षण संबंधी बातें भी हुई, यानी एक दोनों एक दूसरे की जांच कर सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है, इसकी जांच के लिए, क्योंकि इसमें डर यही था कि दूसरा कोई झूठ बोलकर भी अपने यहाँ हथियारों का जखीरा खड़ा कर सकता था। इसके लिए परस्पर जांच एवं निरीक्षण संबंधी बातें की गई और एक दूसरे के आकाश से निरीक्षण फोटोग्राफी के अधिकार की बात भी कही गई। ये था कि अगर जो चाहे जिसके क्षेत्र में चाहे ऊपर से फोटोग्राफी फोटो खींचकर वो एक प्रकार से गुप्तचरी करना चाहे, जासूसी करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक, अब देखिए, अब चूंकि अमेरिका ने
इस योजना को लाया था, उसमें अपने हितों की बात उसकी जरूर रही होगी, और इस योजना को सोवियत संघ ने अस्वीकार कर दिया तथा यह जो है प्रस्ताव रखा कि निशस्त्रीकरण को कार्यान्वित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण अभिकरण की स्थापना की जाए, जिसे अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया। कहने का मतलब यही है बच्चों, ये एटम फॉर पीस प्लान या ओपन स्काई प्लान जो कि आइजनहावर ने लाया था, जिसकी निम्न बातें आप लोग पढ़ चुके हैं, इसे जो है सोवियत संघ ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, सोवियत संघ ने स्वीकार नहीं किया, और इसने जो प्रस्ताव रखा कि निशस्त्रीकरण को कार्यान्वित करना है तो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण अभिकरण की स्थापना करिए, और इसे इस योजना को अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया। बच्चों कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि ये हमारी बात नहीं माने तो हम इनकी बात क्यों माने, या कहीं पर यह रहता है कि किसी में अमेरिका ने कोई अगर विचार रखा तो उसका हित उसमें भरा हुआ है, सोवियत संघ ने या रूस ने कोई विचार अपना रखा तो उसका हित उसमें भरा हुआ है। ये चीज़ें इनमें बीच बीच में समानता आती रही हैं, इसीलिए जो है निशस्त्रीकरण की योजनाएँ जो बच्चों असफल होती जा रही हैं। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब यही है कि 1953 से फाट के ब्लीच जो भी प्रयास किए गए सभी प्रयास जो है निशस्त्रीकरण के विफल रहे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1953 और फाट के बीच सभी प्रयास विफल रहे। अब देखिए 1953 में एक संधि की गई, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये क्या है, 1962 के क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट के बाद। ठीक है, प्रमुख राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच आंशिक परमाणु परीक्षण संबंध, क्या चीज, दोनों के बीच में तनाव शैथिल्य की तैनीय तनाव शैथिल्य उत्पन्न। बच्चों ये 53 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा से हमारे टाइप करने में मिसप्रिंट हो गया है। आंशिक परमाणु परीक्षण जिसे कहते हैं हम लोग बच्चों PTBT, ठीक है, ये बच्चों 1953 नहीं है, ये है बच्चों 1963। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको काट कर। ठीक है, 53 नहीं है, ये बच्चों है 63, ध्यान दीजिएगा। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो कि अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच में हुई थी, जिससे तनाव शैथिल्य की उत्पन्न हुआ था, तनाव शैथिल्य उत्पन्न हुआ था, ये संधि जो है 1963 में की गई थी। ठीक है बच्चों, मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग इसको संभाल लीजिएगा। ठीक, कहीं पूछा जाता है PTBT कब हुई थी या आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई थी, तो ध्यान रहे बच्चों 1963 में हुई थी ये संधि। इससे जो है तनाव शैथिल्य यानी तनाव में कमी आई, तनाव में शिथिलता आई, तनाव में ढीलापन आया, अर्थात कुछ तनाव कम हुआ। ठीक, इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, शर्तें आप लोग देख लेते हैं कि सदस्य राष्ट्र अपने क्षेत्र के अंदर बाह्य अंतरिक्ष, वायुमंडल तथा अपने समुद्री क्षेत्र या खुले क्षेत्र तथा अपने क्षेत्र या अपने अधीन अन्य क्षेत्रों में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या था, अपने अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर बाह्य अंतरिक्ष, वायुमंडल, समुद्री क्षेत्र, खुले समुद्र तथा अपने क्षेत्र या अपने अधीन अन्य किसी क्षेत्र में भी कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, अर्थात कोई भी परीक्षण अब जो है खुले में नहीं होगा, धरती पर कोई भी परीक्षण नहीं होगा, और भूमिगत परीक्षण पर कोई प्रतिबंध नहीं, यानी जमीन के अंदर परीक्षण वो कर सकते हैं। और इस संधि पर लगभग 100 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर भी कर दिया था, यानी इस संधि को लगभग काफ़ी हद तक काफ़ी राष्ट्रों ने मान भी लिया था। ठीक है बच्चों, हालांकि 100 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था इसलिए कि ये अच्छी है, संधि अच्छी है, लेकिन जो है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र तो उस समय केवल 2 ही थे ना, 2-3 राष्ट्र ही तो थे, 2 या 3 थे। ठीक है बच्चों, 3 क्या है, 4 हो गए थे, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या सोवियत संघ, फ्रांस, फ्रांस भी हो गया था बच्चों।
ठीक है, उसके बाद चाइना भी होने ही वाला था, फरफट में बनाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि को बोला जाता है बच्चों NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कहीं कहीं लिखा मिलता है नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि या NPT। चलिए इसको, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 1968 में जेनेवा में पुनः परमाणु अस्त्रों के निर्माण एवं प्रसार पर रोक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है प्रारंभ हुआ। ये लागू कब से हुआ, कौन सा सम्मेलन प्रारंभ हुआ, NPT, ठीक है बच्चों। ये 5 मार्च 1970 से लागू हुआ था और अमेरिका एवं सोवियत संघ सहित 40 देशों के समर्थन के बाद, जब ये 40 देशों ने समर्थन दिया, खास करके उसमें बच्चों परमाणु शक्ति संपन्न सभी राष्ट्र शामिल हों, तभी जो है ये राष्ट्र लागू हुआ बच्चों। तब तक जो है 1968 में ये संधि की गई थी, तब तक जो है परमाणु जगत में एक नए राष्ट्र का भी पदार्पण हो चुका था, वो था चाइना, ठीक है बच्चों। कौन था वो, चाइना। चाइना ने भी तब तक परमाणु हथियार बना लिया था। संधि में कुल कितने अनुच्छेद थे, 11, जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला नंबर, परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं करेंगे, अर्थात जिसके पास परमाणु बम है अन्य राष्ट्रों को वो परमाणु सुविधा प्रदान नहीं करेंगे, अर्थात उनका परमाणु बम नहीं बनवाएंगे, ठीक है, अर्थात उनकी परमाणु बम बनाने में कोई मदद नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु बम मौजूद है। चलिए ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं बच्चों, हस्ताक्षर करने वाले परमाणु विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्र बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, अर्थात जो राष्ट्र हस्ताक्षर कर चुके हैं उनके पास परमाणु हथियार है, वो कोशिश भी ना करें परमाणु बम बनाने की। तीसरा नंबर है, परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगा दिया, कोई भी परीक्षण नहीं हो सकता, केवल कंप्यूटर में परीक्षण कर लीजिए बस। और सदस्य राष्ट्र नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु विकसित कर सकते हैं। कहने का मतलब परमाणु बम ना बनाएं, परमाणु ऊर्जा को विकसित करना है तो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए वो विकसित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगली संधि है सीबेड ट्रीटी, या जिसे कहते हैं समुद्र तल संधि, ठीक है, समुद्र तल संधि। ये हुई थी 11 फरवरी 1971 में, समुद्र तल संधि 11 फरवरी 1971 में हुई थी, और इस संधि के द्वारा जो है समुद्रों की सतह तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में परमाणु अस्त्रों के प्रयोग को निषिद्ध किया जाए, अर्थात परमाणु अस्त्रों का वहाँ प्रयोग, या हालांकि प्रयोग तो नहीं लेकिन वहाँ रख रखाव ये सब जो है नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए